बुधवार को दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड के IAS, IPS एवं IFS अधिकारियों ने भेंट कर उन्हें दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता भी की। बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। केंद्र सरकार ने दिवाली से एक दिन पहले जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी पर तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 5 और डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी कटौती की है। 10 रुपए डीजल की कटौती हुई है, 10 रुपए लीटर डीजल सस्ता होगा और 5 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होगा। पूरे देश के अंदर हमने तय किया है कि 5 रुपए की जगह हम 2 रुपया, उत्तराखंड सरकार भी कटौती करेगी 2 रुपया, उसमें ऐड करके हम जो है 7 रुपए लीटर प्रत्येक पेट्रोल पर जो है कम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों ने ऐलान करते हुए साफ किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध नहीं होगा, लेकिन यदि तीर्थ पुरोहितों की पीएम मोदी से वार्ता नहीं कराई गई तो विरोध तय है। दीपावली पर गृह जनपद पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लंबे समय से उनके सक्रिय राजनीति में लौटने की चर्चाओं को विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में सक्रिय राजनीति में लौटने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान उत्तराखंड में रोजगार को लेकर उनका दर्द छलक उठा। भारत ने छोटी दिवाली पर धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को अबुधाबी के शेख जावेद स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान को 66 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन का विशाल स्कोर बनाया और फिर अफगानिस्तान को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 144 रनों पर रोक दिया। भारत की 3 मैचों में ये पहली जीत है और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुँचने की उम्मीदें अब भी जीवित है। K24 न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का इनालिए हम हैं K24।